फोन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट अब तक। मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में यूपी विधानसभा में कहा गया कि शीर्ष अदालत को चैनल के मामले में फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मुजफ्फरनगर दंगों पर हुए स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में एक समाचार चैनल के पत्रकारों के पेश होने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिए जाने के बाद 9 मार्च को एक प्रस्ताव पारित कर तय किया कि शीर्ष अदालत से फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांड्या ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया जांच समिति ने जिन पत्रकारों को दोषी पाया है उन्हें सदन में पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ सदन ये प्रस्ताव पारित करता है कि शीर्ष अदालत से अनुरोध किया जाए कि 4 मार्च को इस संबंध में दायर रीट याचिका में सदन की कार्यवाही स्थगित करने के विषय में पारित आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि तथा उसे इस आशय से संशोधित परिवर्तित एवं निष्प्रभावी किया जाए जिससे प्रस्तुत प्रकरण में सदन की कार्यवाही बाधित नहीं हो और जांच समिति की संतुतियों के क्रम में आगे की कार्यवाही सदन में हो सके। प्रस्ताव में कहा गया कि सदन सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण रूप से सम्मान करता है लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने के संबंध में अदालत द्वारा रीट याचिका में 4 मार्च को पारित आदेश संवैधानिक रूप से उपयुक्त नहीं लगता है। संवैधानिक योजना के तहत न्यायालय और विधायिका के कार्य क्षेत्र विशिष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं तथा इनमें आपस में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रस्ताव में कहा गया कि सदन को अपनी कार्यवाही संचालित करने की संवैधानिक स्वतंत्रता वंचित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सदन की संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध लगाना संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है। प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया में भाजपा सदस्य शामिल नहीं हुए। भाजपा नेता सुरेश खन्ना ने कहा कि जांच समिति के गठन से लेकर अब तक भाजपा इस प्रक्रिया में शामिल नहीं रही है इसलिए वह इस प्रस्ताव में भी शामिल नहीं होगी। इससे पहले अध्यक्ष पांड्या की उच्चतम न्यायालय के स्थगनादेश के आलोक में सर्वदलीय बैठक बुलाकर विचार विमर्श किया था। बैठक में शामिल दलों ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। सपा नेता एवं प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन पर शामिल लोगों पक्ष ने डर तय करने के लिए संबंधित चैनल के अधिकारियों को 4 मार्च को तलब किया गया था लेकिन चैनल ने उच्चतम न्यायालय से स्थगनादेश हासिल कर लिया था। इससे पहले 25 फरवरी को चैनल ने पत्र के जरिए के लिए भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य फैसले पर सवाल उठाते इस विधानकाज में एयर इंडिया की एक प्लेन की इमरजेंसी गई उसमें यात्री सुरक्षित है। आज होने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या 634 के कारण इसकी आफत पड़ी। मान में से टकरा गया इंजन की